हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र फॉरेस्ट गार्ड एडमिट कार्ड 2023 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट गार्ड, जेई, स्टेनो, अकाउंटेंट और भी अन्य पोस्ट हैं 2417, जिनके लिए यहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। कैसे, कब और कहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत कुछ दिनों पहले फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक, अकाउंटेंट, सर्वेयर, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर, सीनियर स्टैटिकल असिस्टेंट और जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट के 2417 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। यहां पर इन पोस्ट पर आपका सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। तो यहां पर अब आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे। कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। डेट्स की अगर बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म से इस भर्ती में कैंडिडेट से 10 जून 2023 से 30 जून 2023 के बीच में एक्सेप्ट किए गए थे। एग्जाम यहां पर अब आपका 31 जुलाई 2023 से 11 अगस्त 2023 के बीच में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डेट्स में कंडक्ट होने जा रहा है। एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो चुका है 28 जुलाई 2023 यानी कि आज ही से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके 31 जुलाई 2023 से 11 अगस्त 2023 के बीच में जिस डेट में आपका एग्जाम है उसमें जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर महाराष्ट्र फॉरेस्ट गार्ड एंड अदर पोस्ट एडमिट कार्ड आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर लॉगिन आईडी एंटर करनी है, फिर अपना पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। अगर आप यहां पर अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो आप फॉरगॉट यूजर आईडी / पासवर्ड इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना पासवर्ड यहां पर गेट कर लेंगे। और अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो आपको चेंज पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। तो यहां पर जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे तो आपके डैशबोर्ड में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आपका एडमिट कार्ड कुछ इस तरह से शो होगा, इसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी, जैसे कि क्या एग्जाम टाइमिंग है, कब से कब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किन किन तिथि को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, पूरा वेन्यू कहां पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, पूरी डिटेल्स आपको आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली और जनरल इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड कर लेने हैं। उसके बाद आपको अपने एडमिट कार्ड का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अपने एडमिट कार्ड के हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के साथ साथ ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर अपना एक फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा, जैसे कि कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इन दो डॉक्यूमेंट के साथ आपको अपने एग्जाम में पार्टिसिपेट कर लेना है। गाइज, आप एग्जाम डेट की नोटिस, ऑफिशियल नोटिस हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर एग्जाम डेट ऑफिशियल नोटिस इस लिंक पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। ये इस भर्ती के एग्जाम डेट की ऑफिशियल पीडीएफ है, यहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका एग्जाम 31 जुलाई 2023 से 11 अगस्त 2023 के बीच में कंडक्ट होने जा रहा है। अलग अलग डेट्स में अलग अलग पोस्ट के लिए यहां पर एग्जाम कंडक्ट होगा, जैसे कि 31 जुलाई 2023 को सर्वेयर ग्रुप सी का एग्जाम कंडक्ट होगा, फिर आपका 31 जुलाई 2023 को शिफ्ट 2 में अकाउंटेंट का, 31 जुलाई को ही शिफ्ट 3 में अकाउंटेंट ग्रुप सी और सीनियर स्टैटिकल असिस्टेंट ग्रुप सी का एग्जाम कंडक्ट होगा, 1 अगस्त को आपका अकाउंटेंट ग्रुप सी, जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट ग्रुप सी का शिफ्ट 1 में एग्जाम कंडक्ट होगा। यहां से आप चेकआउट कर सकते हो कौन सी डेट में, कौन सी शिफ्ट में, किस पोस्ट के लिए आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। पूरी डिटेल आपको यहां पर आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग दे दी गई है, यहां से आप एग्जाम डेट्स चेकआउट कर सकते हो। गाइज, आप अपना एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट्स की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ अपने इंटरनेट ब्राउजर की एड्रेस बार पर, जी हां दोस्तों, अपने इंटरनेट ब्राउजर की एड्रेस बार पर mahaforest.gov.in टाइप करके चेकआउट कर सकते हो। आपको अपने इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर mahaforest.gov.in टाइप करना है। उसके बाद आपके सामने महाराष्ट्र वन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी।
यहाँ पर अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आपको रिक्रूटमेंट के सामने क्लिक है लिंक पर क्लिक करना है, और एग्जाम डेट चेकआउट करनी है तो आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सीबीटी टाइम टेबल के सामने क्लिक है लिंक पर क्लिक कर देना है। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने आपकी एग्जाम डेट की ऑफिशियल नोटिस पीडीएफ हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इसमें से आप एग्जाम डेट चेकआउट कर सकते हो, और रिक्रूटमेंट की लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन लिंक्स पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आकर आपको लॉगिन लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है अपने डैशबोर्ड में, और वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना महाराष्ट्र फॉरेस्ट गार्ड, स्टेनोग्राफर, जेई, अकाउंटेंट और अन्य पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।